विलायत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मुसलमानों के मकानात पर कब्जा, मुस्लिम मोहल्लों को सहयूनी बस्तियों में तब्दील करने की साजिश। फिलिस्तीन पर काबिज गासिब सहयूनी रियासत ने मस्जिद अक्सा के खिलाफ एक बार फिर मुनज्जम साजिशें शुरू करते हुए मस्जिद के अतराफ में मौजूद मुसलमानों के घरों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। कुद्स शरीफ के पुराने हिस्से बिलखसूस मस्जिद अक्सा के कुर्बो जवार में फिलिस्तीनियों के घरों पर गासिब सहयूनियों की कार्रवाइयों में शिद्दत के साथ ही कौमी और इस्लामी तंजीमों ने कुद्स शरीफ की इस्लामी और अरबी नौयत के तहफ्फुज और इस सेटलमेंट प्लान का मुकाबला करने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मस्जिद अक्सा के करीब मौजूद अकबतुल खालिदिया और असराया नामी मुस्लिम मोहल्ले सहयूनी बस्ती में तब्दील हो रहे हैं। इससे पहले भी मस्जिद अक्सा के करीब ही वाक़े सबले इब्ने गैस खानदान के घरों पर भी गासिब सहयूनियों ने कब्जा कर लिया था। घरों के मालिकों को ताकत के जोर पर वहां से भगा दिया गया और सहयूनी गासिबों ने इन घरों में सुकूनत इख्तियार कर ली और इस पर सहयूनी हुकूमत का झंडा लहरा दिया। फिलिस्तीन की कौमी और इस्लामी तंजीमों ने कुद्स शरीफ के पुराने हिस्से में फिलिस्तीनियों के मकानात पर कब्जे की सहयूनी मुहिम के खिलाफ उम्मत इस्लामी को खबरदार करते हुए इस जारहियत को मस्जिद अक्सा से मुलहका इलाकों को फौजी बैरकों में तब्दील करने की कार्रवाइयों का हिस्सा करार दिया। फिलिस्तीनी जमातों का कहना है कि इसराइल इस इलाके को फौजी छावनी में तब्दील करते हुए मस्जिद अक्सा में नमाजियों की आमद और रफ्त को महदूद करना चाहता है। मकबूजा फिलिस्तीनी मसाइल के माहिर मोहम्मद अब्द रब ने अल आलम के रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा के अतराफ का ये हिस्सा सहयूनी लोबी के मंसूबों और मस्जिद अक्सा के मकाम पर हैकल सुलेमानी की तामीर की साजिश के लिए बहुत अहम है। यहाँ कुछ तलमूदी मरकज़ भी हैं जहाँ इन इंतहा पसंदों को तरबियत दी जाती है। इस महल्ले और यहाँ की इमारतों और मकानात पर कब्जा करना उन्हें अपने मकसद के और करीब कर देगा। फिलिस्तीन के एक सियासी कारकुन अहमद अदीला ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम यहीं रहेंगे, चाहे वो हमारी राह में कितनी ही रुकावटें डालें, हम फिर भी यहीं रुकेंगे। सहयूनी हमें मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोकने के लिए कितने ही इकदाम कर लें, हम अल-क़ुद्स और मस्जिद अक्सा के वफ़ादार रहेंगे। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक़वामी और आलम-ए-इस्लाम की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।